नमस्कार, आप देख रहे कैपिटल टीवी बिहार, आपके साथ मैं हूं दिव्या। बिहार विधानमंडल के मॉनसून सत्र का आज तीसरा दिन है। राजद ने शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार को लेकर नीतीश सरकार के अधिकारियों पर बड़ा आरोप लगा दिया है। राजद विधायक मुकेश रोशन ने कहा है कि टैबलेट खरीद के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए का घोटाला शिक्षा विभाग में हो रहा है। उन्होंने कहा कि 1.25 लाख टैबलेट खरीदना है और मेक इन इंडिया वाला टैबलेट 10,000 में मिल रहा है, तो महंगे दाम पर विदेशी कंपनी से क्यों इसे खरीदा जा रहा है? ये कहीं ना कहीं किसी कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। वैसे आपको बता दें कि मुकेश रोशन ने कहा कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने सभी नियम कानून को ताक पर रखकर निविदा शर्तों में छेड़छाड़ करके ये काम बाहरी कंपनी को दे दिया है। 10,000 का टैबलेट 13,500 में खरीदा जा रहा है। जब जेम पोर्टल पर यहाँ की कई कंपनियां रजिस्टर है तो उनसे खरीदारी क्यों नहीं की जा रही है? मेक इन इंडिया के तहत खरीदारी हो, सदन में इस घोटाले के मामले को उठाया जाएगा। वैसे मुकेश रोशन आगे क्या कुछ कह रहे हैं, आप खुद सुनिए इस वीडियो में। देखिए, जिस तरीके से टैबलेट खरीदगी करना है और 1.25 लाख टैबलेट खरीदना है, 1.25 लाख टैबलेट का खरीद जब मेकिंग इंडिया वाला जब 10,000 में मिल रहा है, तो आखिर 13,500 वाला विदेशी कंपनी जो है उसको क्यों आकर ऑर्डर दिया गया? तो कहीं ना कहीं आप 3,500 रुपया जो है वो ज़्यादा में आप खरीद रहे हैं। तो मेकिंग इंडिया वाला जो जेम पोर्टल पे उपलब्ध है 18 ब्रांडेड कंपनी का, उसको क्यों नहीं आपने ऑर्डर किया? तो इसमें सारा निविदा शर्तों में छेड़छाड़ कर करके और कहीं ना कहीं किसी कंपनी को लाभ पहुंचाने के नियत से इन लोगों ने काम किया है। जो पहले थे बेंच डेस्क घोटाला किए, उस समय आपको के पाठक थे, अभी जब टैबलेट घोटाला हो रहा है तो आपको एस सिद्धार्थ है। वैसे राजद के इस बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार कर दिया है। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा कि जो भ्रष्टाचारी होते हैं उन्हें ही भ्रष्टाचार दिखाई देता है। सरकार द्वारा आज सदन में पेपर लीक मामले को लेकर एक विधेयक लाया गया है। इस विधेयक को लेकर भाजपा विधायक ने कहा कि कानून बन जाने से जब भी कोई व्यक्ति पेपर लीक कराएगा उसे कठोर से कठोर सजा मिलेगी। खैर, हरिभूषण ठाकुर बचौल क्या कुछ कह रहे हैं, आप खुद सुनिए इस वीडियो में। अगर कहीं भी कुछ गड़बड़ी होती है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, उसको एकदम जीरो टॉलरेंस पर लाने के लिए है और उस कानून के लागू हो जाने से ऐसे जो भी लोग हैं जो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं पर कार्रवाई करने का अधिकार हो। वैसे बता दें, बिहार विधानमंडल के मॉनसून सत्र का आज तीसरा दिन था। तीसरे दिन वाम दल के विधायक ने बैनर पोस्टर लेकर विधानसभा परिसर में खूब प्रदर्शन किया। बिहार के सभी गरीबों के लिए 200 यूनिट बिजली और 10 किलो राशन हर महीने फ्री करने की उनकी मांग थी, और अब देखना होगा कि सरकार इनकी मांग को मानती है या नहीं। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।